अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और व्लॉग में खुश आमदीद। जैसा मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मस्जिद जामे मस्जिद अल फरीद में जो है मौजूद है हम। तो ये मस्जिद वाकई है नाजरीन मेन KLP रोड शरीफाबाद के नज़दीक है, और यहाँ पे जो है रोज़ाना के बुनियाद पर जो है 350 से 400 लोगों को अफ्तार कराया जाता है। आज 21 रमज़ान मुबारक है, और यहाँ के जो मुंतज़िमीन आला हैं राना इरफान साहब, उनकी खसूसी दावत पर हम यहाँ आए हैं। तो आइए आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं और राना इरफान साहब से भी बात करते हैं कि ये इतने लोगों का माशाल्लाह से कैसे मैनेज कर रहे हैं और आज का मेन्यू क्या है अफ्तार का। आइए आपको ले चलते हैं अंदर। जी तो नाजरीन हाजरीन, ये मस्जिद अल फरीद के अंदर है, और यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत बात माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इनको जजाए खैर दे, ये लिखा हुआ है मस्जिद अल फरीद में किसी भी किस्म का चंदा लेना देना मना है, फजूल बैठना सियासी गुफ्तगू करना मना है, अल फरीद रॉयल स्टेट, नमाज जुमा नमाज ईदुलफितर जहाँ नमाज जनाजा दीनी तो अहतमाम होगा, तरावी हर अफ्तारी का अहतमाम है, जुमे को खाने का अहतमाम, और ये जो दीनी तालीम है देखें फ्री दी जाती है मस्जिद अल फरीद में, ये वॉशरूम्स वगैरह, और ये वजू खाना है बहुत साफ़ सुथरा और हाइजीनिक बना हुआ, यहाँ पे हैंड वॉश भी जो है अवेलेबल है। तो राना इरफान साहब से फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नाजरीन और हाजरीन हम मौजूद है राना इरफान साहब के साथ जो इस मस्जिद के मुंतज़िमीन आला हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब ठीक है आप? तबीयत से ठीक है। इस मस्जिद के मुतल्लिक ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कब तामीर हुई थी। ये तकरीबन 5 से 6 महीने, 5 से 6 महीने हो गए हैं तामीर हुए हुए को। माशाल्लाह। हाँ जी, और ये हमने अपने समझे, मेरे बॉस भी हमारे बुजुर्ग भी खालिद साहब हैं, उन्होंने अपनी जाती उससे जो है ना ये काफ़ी से इसको तैयार करवाया है। अच्छा। ठीक है। और हमारी मस्जिद में जब से हम तैयार की है, हर जुमे को हम लंगर का इंतज़ाम, जुमे नमाज बाद लंगर का इंतज़ाम करते हैं। ठीक है। और माह रमज़ान में हर अफ्तार रोज़ जो है ना अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। तो यहाँ पे आज 21 रमज़ान मुबारक है, आज हम इधर आए हैं, तो यहाँ पे दीनी तालीम भी दी जाती है बच्चों को, उसकी कोई फ़ीस वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं, हर चीज़ यहाँ पे फ्री है, बच्चों की फ़ीस सभी लिल्ला है, तालीम बच्चों के लिए, और उनको कह दे हर चीज़ जो है ना वो सब कुछ फ़ीस सभी लिल्ला है। अच्छा। और अफ्तार के मुतालिक पूछेंगे हम राना साहब से कि अफ्तार में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है यहाँ खाने में? यहाँ खाने में ना मुख्तलिफ किस्म के है, कभी जो है ना गोश्त वाले चावल और साथ जर्दा चावल होते हैं, मीठे चावल, ठीक है,
कभी चिकन की पुलाव हो जाती है, कभी जो है ना आलू गोश्त सालन हो जाता है, कभी जो है ना चिकन का सालन हो जाता है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म में जो है ना खाने चेंज होते रहते हैं, अफ्तार का मेन्यू होता है, सात पकौड़े, समोसे, फ्रूट वगैरह और रूह अफजा वगैरह, खजूर, वो भी सब कुछ दिया जाता है। माशाल्लाह, तो ये शरीफाबाद में मौजूद है, आपने भी बताया था। जी जी, ये मेन केएलपी रोड है, नस्त शरीफाबाद, ये मेन रोड पे है। ये असल में हमने बनाई इसलिए थी कि ये जो है ना मुसाफरों के लिए आते जाते, फिर हमारी मस्जिद सुबह 6 बजे से फजर के बाद से जो है ना रात 11:30 बजे तक ओपन रहती है। सही सही। और यहाँ पे मैंने अभी पढ़ा है, एक जगह लिखा हुआ कि चंदा लेना और देना मना है, तो नाज़रीन को ये बता दें कोई पेड व्लॉग नहीं है ये, कोई हम जो है ना डोनेशन के लिए या वीडियोस बनवा रहे हो, ये काइंडली बता दें। नहीं, ये बिल्कुल फी सबीलिल्लाह, आप भी फी सबीलिल्लाह आए हैं और हम भी जो है ना किसी किस्म का कोई चंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खालिद साहब है, खालिद गुलाम हैदर साहब, ये उनकी कोशिशों से और उन्हीं की सब कुछ जो है ना तरफ से ये होता है। नेकी की तरगीब देने के लिए नाज़रीन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, किसे कोई मांगना नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। माशाल्लाह जो बता रहे हैं इनके जो चेयरमैन साहब हैं वो दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी नेकियां कबूल फरमाए। और लास्ट में जो है अभी मस्जिद खत्म कुरान का भी लगा हुआ था बाहर, तो वो किस तारीख को है और उसमें क्या क्या? वो बारोज जुमेरात 25वीं की रात होगी, लैलतुल अदर महफिल नात होगी, दुआ होगी, ठीक है, उसके बाद लंगर का इंतजाम भी होगा। हाँ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा हमें किचन एरिया दिखा सकते हैं। नाज़रीन, आपको किचन एरिया लेके चलते हैं जहाँ पे आज का जो मेन्यू है वो दिखाते हैं आपको। ये जरा बता दें, ये खोले जरा पतले। हाँ जी, हाँ जी, कैमरे में दिखाएं, दिखाएंगे आप जरा कैमरे में आ देना सर। हाँ, माइक ले लें मुझे। हाँ जी, ये देखें जी, ये गोश्त वाले चावल हैं आज, ठीक है, बीफ पुलाव जो है। हाँ जी, और साथ जरदा चावल हैं, ठीक है, और इस साइड पे ये देखें, ये फ्रूट कट रहा है, फ्रेश फ्रूट। जी जी, साथ में इस साइड पे ये पकौड़े वगैरह का जो है ना, और ये रूह अफजा, ये रूह अफजा बिल्कुल जी। सही सही, चलें, ये आपको नाज़रीन किचन हमने विजिट करवा दिया, बिल्कुल साफ सुथरा, हिसाब किताब के सामने बच्चे भी जी जी तालीम हासिल कर रहे हैं जी। तो आखिर में जो है हमारे मुसलमान भाइयों से क्या कहना चाहें, अल्लाह ताला की राह में जैसे आप माशाल्लाह खर्च कर को नेकी की तरगीब दें, सब लोगों को चाहिए कि जितनी हो सके, जिससे जितनी तौफीक हो सके उतनी जो है ना अल्लाह की राह में लाजम करनी चाहिए। इंसान सुकून की तरह, बहुत सुकून है, बहुत ज्यादा सुकून है, माशाल्लाह, दुनिया में भी सुकून है और आखिरत में भी सुकून है, वालिदैन के लिए भी बेशक, घर वालों सबके लिए जी। चलेंगे, हमारे सारा ने बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया आपने, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये हमारे साथ राना इरफान साहब थे नाज़रीन, तो थोड़ी सी देर में अफ्तार का जो है सिस्टम शुरू हो जाएगा, वो भी दिखाएंगे। तो डिटेल जो ये माशाल्लाह बता रहे थे, अल्लाह ताला इनके काविशों को, अल्लाह ताला इनके जो इंतजाम हैं उनमें बरकत डाले, और जो भी लोग यहाँ अफ्तार करने आते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो एक सदका जारिया ही है, तो अल्लाह पाक इनकी काविशों को कबूल फरमाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अफ्तार के वक्त, उसमें मेन्यू दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम।
हाज़रीन अफ्तार के लिए लोगों का आने का सिलसिला जारी है। सामने वजू खाने पर देख सकते हैं रश लगा हुआ, पानी गिलास रख दिए गए। आपने मेरे व्लॉग में माशाल्लाह से 350 से 400 बल्कि 450 भी लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा इस तरह दिखा दें। और बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग को देखने, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।